क्या आप YouTube पर 30-30 STEM प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं? तो कैसे देना है इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ, नमस्कार, मैं जय रहिया और आज हम देखेंगे कि 30-30 STEM प्रशिक्षण में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हम कैसे दे सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक प्रशिक्षण में कुछ 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके उत्तर हमें देने होते हैं। सारे प्रशिक्षणों के उत्तर दे देने के बाद में CBSE बोर्ड द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम 30-30 STEM प्रशिक्षण में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सबमिट कर सकते हैं। देखते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रत्येक रविवार शाम 4 से 5 बजे के मध्य YouTube चैनल में प्रसारित होने वाला प्रशिक्षण 30-30 STEM में हम कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उक्त प्रशिक्षण में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब देकर हम कैसे अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में यूट्यूब ऐप को ओपन कीजिए। YouTube के ओपन होने पर यहाँ सर्च आइकॉन पर हमें क्लिक करना है। सर्च आइकॉन पर क्लिक करते ही सर्च बॉक्स पर हमें टाइप करना है CCLIITGN। इतना टाइप करने के बाद में हमें सर्च कर लेना है। सर्च करते ही हम देखेंगे कि CCLIITGN का चैनल ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रशिक्षण हुए हैं अभी तक 3 एपिसोड हो चुके हैं, तो सारे एपिसोड यहाँ पर शो कर रहे हैं। सपोज हमें एपिसोड 1 के आंसर सबमिट करना है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। देने की कोशिश करेंगे, छोटा सा नियम है। क्लिक करने पर चैनल ओपन हो जाएगा। अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हमें ओपन करना है तो इसके लिए इस एरो पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हम देखेंगे कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे आंसर सबमिट करने के लिए इस लिंक पर हम क्लिक कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, उसकी लिंक भी यहाँ पर नीचे दी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू नो मोर एंड रजिस्टर, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। चूँकि हमें अपने आंसर सबमिट करना है तो हम होमवर्क इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही ब्राउजर में एक गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर समान जानकारी पहले पेज में हमें फिल करना होगा, जैसे ईमेल एड्रेस, नाम, स्कूल का नाम और आप क्या हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या पेरेंट्स हैं, तो जो भी हैं इस पे हमें टिक करना है। तो हम इंफॉर्मेशन फिल करते हैं। इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमें प्राप्त हो जाएंगे और उनके आंसर भी यहाँ पर दिए हैं, तो इनमें से जो भी आंसर सही है आपको उस आंसर पर टिक कर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसके 4 आंसर दिए हुए हैं। यदि 4ों में से आपको लगता है कि कोई भी आंसर सही नहीं है तो आपको अदर पर टिक करके यहाँ पर जो सही आंसर है वो फिल कर देना है। इसी प्रकार अन्य क्वेश्चनों के आंसर भी आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नेक्स्ट, तो इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। तो हम फॉर्म सबमिट करते हैं और फॉर्म केवल डेमो के रूप में हम सबमिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आंसर सही हो। आंसर सबमिट करने के बाद में हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाता है और इसमें कुछ क्वेश्चन भी हमें मिल जाते हैं। अब इस पेज के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमें एक कोरे पेज पर सॉल्व करना है और कोरे पेज में सॉल्व करने के बाद में उस सॉल्व आंसर की पिक लेके हमें इसमें अपलोड करना है ऐड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो हम कैसे ऐड करेंगे वो ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले हम ऐड फाइल पर क्लिक कर लेते हैं। ऐड फाइल पर क्लिक करते ही एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, तो हमें इस ऑप्शन को क्लिक कर देना है।
क्लिक करते ही दो ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, पहला कैमरा और दूसरा फाइल। यदि आपने सॉल्व आंसर की फोटो पहले से लेके रखे हैं तो आपको फाइल वाले ऑप्शन में मिल जाएगी, और यदि आपने पिक नहीं लिए हैं तो आप कैमरे वाले ऑप्शन को क्लिक करके इसकी पिक ले सकते हैं। एक डेमो हम देखते हैं, कैमरे पर क्लिक करें, फिर हम सपोज हमारा ये सॉल्व आंसर है तो हम इसको क्लिक कर देते हैं। सॉल्व आंसर क्लिक करने के बाद में यहाँ राइट पर हमें टिक कर देना है। टिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन ओपन हो गया है, तो हम अपलोड पर फिर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ अपलोडिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। देखिए हमारी फाइल अब अपलोड हो चुकी है। इसी प्रकार हमें अन्य क्वेश्चन के लिए भी फाइल अपलोड करना होगा, तो दूसरे क्वेश्चन में भी हमें सेम प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो हमें ऐड फाइल पर क्लिक कर देते हैं और लास्ट में फिर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे, तो हम प्रोसेस करते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर अपलोड हो जाने के बाद में हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि हमारे आंसर सबमिट हो चुके हैं। यहाँ पर मैसेज आ गया है, योर रिस्पॉन्स हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो इस प्रकार सभी एपिसोड में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर सबमिट कर देने के बाद में आपका चयन कर CBSE बोर्ड के द्वारा आपको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स कर जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you.